का स्वागत है समुद्र नगरी में। और पुराने वीडियोस को देख के एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है मुझे कि सर, 10 बेसिस पे जीपी रेटिंग एडमिशन तो हो जाता है, 12th फेल है सर, तो क्या जीपी रेटिंग में करने में कोई दिक्कत आएगी? जी आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी जो है वो 10th पास विथ 40% है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी भी एंगल से एलिजिबिलिटी आपकी नहीं बन रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एलिजिबल हैं कोर्स के लिए, क्योंकि जब उन्होंने 10th पे 40+ बोल दिया है तो 12th में आप कितना है फेल पास है उससे मतलब नहीं होता है। बस आपकी जो पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया है और जो मेडिकल फिटनेस का जो क्राइटेरिया है वो आप क्वालिफाई करो। 10th 40+ हैं आप, 12th पास हैं फेल है उससे मैटर नहीं करता है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही 10th बेसिस पे बनाई गई है तो 12th के मार्क्स से आपको मैटर नहीं करता है। ठीक है, आई होप सो जिसने क्वेश्चन पूछा था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे आप अगर डाउट्स पूछेंगे तो मेरे लिए और आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन फिर सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो ऐसे अकेले में बैठ के शिप पर मुझे क्वेश्चन सोचना पड़ता है कि इस टॉपिक पर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे पास तो मेरे लिए आसानी हो जाती है, बस मुझे ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन तो आ चुका है, बस मुझे आंसर फाइंड आउट करना है इसका और उस पर टॉपिक पे एक वीडियो बनाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।